हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी फ्लाई। तो 15 अगस्त से पहले फिर से हमने एक बार चलाया है मेटिया ब्रुज में, ईसालदार गेट में। इस दुकान आपका बहुत ही पहचान वाला दुकान है। तो इस दुकान थोड़ा मॉडिफाइड हुआ है, इस दुकान का वीडियो आज करेंगे और भैया से बात भी करेंगे, नया क्या स्टॉक आया है, अभी पतंग का दाम क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, कागज़ कैसे मिल रहा है, क्योंकि कागज़ का आपको तो पता ही है कि अजंता का मिल बंद होने से कागज़ का थोड़ा शॉर्टेज है। तो कागज़ क्या क्या कागज़ से पतंग बन रहा है, ये सब पूछेंगे और इस सब बारे में बात करेंगे भैया के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए। अच्छा बाबूदा, पहले भी तो आप वीडियो कर चुके हैं हमारा चैनल में, तो उसके बाद जब वीडियो किए थे उसके बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा था कस्टमर का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो गया था। अच्छा, हाँ समझे ना, बहुत अच्छा डिमांड हो गया था माल। अच्छा, अभी तो आपके दुकान में आके तो मैं पूरा चौंक गया कि दुकान पूरा मॉडिफाइड हो गया, नया तरीके से हो गया, क्या किया हुआ ये बोलिए थोड़ा। बहुत अच्छा हुआ, कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अच्छा लगा समझे ना, और फिर डिमांड हो गया पतंग का, बहुत डिमांड। और मेटिया ब्रुज में मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा था कि दुकान बहुत शॉर्टेज हो गया, कम हो गया, लेकिन अभी मैं आके देखा बहुत सारा दुकान नया करके फिर से ओपन हुआ है। तो मार्केट क्या पहले से अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हो गया मार्केट, पहले से बहुत अच्छा हो गया। अच्छा समझे ना, आप लोग जब से ये सब किए हैं बहुत अच्छा डेवलप हो गया। अच्छा, ये सुन के अच्छा लगा। आप एक चीज़ बोलिए, अभी आपके पास तो सारा पतंग है और बाहर का आपका जो दुकान है उधर मांजा भी है तो आपके पास? हाँ, मांजा है, सूती मांजा है, सब लैलून लैलून हटा के सब लैलून वैलून नहीं बेचता हम लोग। अच्छा। हम लोग सूती मांजा बेचता है। ठीक है, तो बरेली का मांजा बेचता है? हाँ? बरेली का मांजा बेचता है। अच्छा, अब आप हमको बताइए कि अब कौन कौन सा पतंग आपके पास है, स्टॉक तो बहुत है देख रहा हूँ मैं, कौन कौन सा पतंग है, किस किस रेंज से है, दाम क्या है, और 15 अगस्त के लिए हमारा चैनल की तरफ से कोई आएगा तो क्या दाम में मिलेगा ये थोड़ा बता दीजिए। ये इससे स्टार्ट कीजिए, नया टाइप का पतंग है ये, जो नया टाइप का पतंग है ये हम लोग 12 रुपया पीस बेचते हैं, 120 रुपया 100 पीस 120 वो डजन के हिसाब से हम लोग कम कर देगा, 10 रुपया कर देगा। और एक से गुड, ये देखिए बड़ा बड़ा पतंग है हम लोग, देखिए बहुत। ये साइज क्या है? ये पांता है, पांता ये चालू है तो? हाँ चालू पांता है समझे ना, ये 600 रुपया 100 हम लोग बेचता है, मतलब 6 रुपया पीस। तो देखिए मतलब बड़ा घुड़ी है एक दिन के लिए, ठीक है मैच का पतंग तो नहीं है ये आप समझ ही पाओगे, लेकिन देखने में अच्छा है, एंजॉय करने के लिए एक दिन के लिए 6 रुपया में। हम लोग 6 रुपया में हम लोग यहाँ से होलसेलिंग करता है समझ गए ना, अब आदमी ले जा करके रिटेल 10 रुपया करके बेचता है। ठीक है, ये तो बड़ा घुड़ी हो गया। अब छोटा पतंग दिखाइए थोड़ा, ये साइज क्या है? ये 27.5 फैंसी पतंग है। अच्छा, ये फैंसी है, फुल फैंसी, फुल फैंसी है। ये हम लोग 600 रुपया 100 बेचता है। अब दिखाइए फिर से, और दिखाइए और डिजाइन भी थोड़ा दिखाइएगा कि 27 के ऊपर कौन सा डिजाइन है। ठीक है, ये देखिए 27 का और डिजाइन भी है, तो ये भी फैंसी है। देखिए वीडियो में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं रिनोवेट हुआ है दुकान, तो इसलिए थोड़ा लाइट इधर उधर कम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए। अब तो हमारा चैनल में है, आप पतंग देखिए। ठीक है, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए पहले ही हम माफ़ी मांग लेते हैं आपसे। अब बोलिए, ये रॉकेट पतंग है, इसका दाम कितना बोला? इसका 300 रुपये का, 300 रुपया 100। अच्छा ठीक है, समझ। और रॉकेट छोड़ के नॉर्मल एक तेल दिखाइए, नॉर्मल एक तेल। अच्छा, इसका कलर थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, एक से एक वेरिएंट है, ये सब 300 रुपया 100 है, ये सब 300 रुपया 100। अच्छा अच्छा भैया, ये 300 रुपया 100 है, ये चिलगुड़ी है, चिल ये 350 रुपये 100 है। ये क्या पतंग है? ये चिल पतंग। हाँ, चिल पतंग है। अच्छा, चिल क्या ये साइज में भी है? ये इससे बड़ा नहीं, यही साइज है, चिल एक ही साइज का होता है, 350 रुपया 100 हम लोग बेच रहे हैं इसको। अच्छा ठीक है, ये अजंता पेपर में है क्या? नहीं, ये खातिमा पेपर है, अजंता पेपर बंद हो गई है। अच्छा, पेपर के बारे में बाद में बात करते हैं, आप पतंग दिखा दीजिए। ये चील है, ये चील का कलर ब्लैक ही है या नहीं? और कलर भी है। अच्छा थोड़ा दिखाइए, ये एक ऑरेंज में है, सेफ्रॉन में है और एक ग्रीन में है। अच्छा, और 15 अगस्त के लिए जो इंडियन फ्लैग वाला पतंग है वो नहीं है आपके पास? थोड़ा दिखाइए, वो सब तो बच्चे का डिमांड में रहता है इसलिए। राजू बोर्ड से ये देखिए, ये हम लोग का इंडियन फ्लैग है, ये भी रॉकेट है। हाँ, रॉकेट है। अच्छा, ये इसका प्राइस? ये 350 रुपये से। ये अगर डिजाइन के लिए दाम थोड़ा ज्यादा है? डिमांड है। अच्छा बहुत बढ़िया, और कुछ टाइप का होगा तो दिखा दीजिए जरा।
वो थोड़ा फैंसी में देखने में अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये जो चिप्पी लगाया हुआ है या फिर माथे पे जो, हाँ ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती के लिए लगाया हुआ है। ये क्या है, ये गोल्डन स्टिकर है। अच्छा। स्टिकर मारता है इधर ना। अच्छा। ये देखने के देखने में अच्छे लगने के लिए, हाँ, है ना। हाँ, इसका हाँ, क्या प्राइस है इसका? 350 रुपए। सौ ये भी 350। ये क्या रॉकेट है या नॉर्मल है? नॉर्मल है, जैसे कम बजट का है। अच्छा, समझ गए ना। हर बजट का हम लोग माल बेचते हैं। अच्छा, कम वाले तो कम बजट का देते हैं, अगर फैंसी वाला हुआ तो उसको बढ़िया तरीके से देते हैं, ठीक है, उसका रेट अच्छा होता है। और एक बात देखिए, आप तो दाम बोला, जो बोला जब कोई कस्टमर आएगा तो दाम यही रहेगा कि दाम नहीं बढ़ेगा? इसका डिमांड हो जाता है। अभी जैसे जैसे सीजन चलेगा उस टाइम में जो मेकर लोग हैं वो लोग हम लोग को जो बना के देता है वो लोग रेट आस्ते आस्ते बढ़ाता है। अच्छा, सीजन का काम है ना, इस वजह से। अच्छा, अभी कोई आएगा? अभी आएगा तो परसों आएगा, अभी 350 में मिलेगा 15 अगस्त तक। एक काम कीजिए, सुनिए, आपका दाम जो भी है, जो कोई हमारा चैनल से आएगा, अगर आके बोले कि एबीसी फ्लाई से है, तो ये पतंग 350 रुपए, ठीक है, एकदम 350। ये बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो व्यूअर्स है वो बोलते हैं कि दाम एक जैसा बताया भैया ने, जब दुकान में गया ज्यादा डिमांड हो गया, तो वो चीज थोड़ा देख लेना, क्योंकि हमारा चैनल से तो आपका भी हो रहा है, तो आप जो हमारा चैनल से आएगा देख के, तो जो दाम आप इधर बोल रहे हैं वही आप प्राइस में बेचिएगा, ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, ये पतंग में और कुछ है वेरिएशन या यही है? बस बस यही है। अच्छा, वेरिएशन जो दिखाया इतना ही वेरिएशन है, लेकिन बहुत बल्क में माल है, और माल इनका घर में भी है, मुझको ये पता है, इनका घर में भी बहुत ज़्यादा माल है। ये सब डिजाइन देखिए, ये पानता है, ये पानता है, हाँ, ये फैंसी नहीं है लेकिन उड़ाने के लिए अच्छा है। 80 रुपये दर्जन है ये, 80 रुपये दर्जन है। तो देखिए, इनका घर में बहुत स्टॉक भरा पड़ा है, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा हमको पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके घर में बहुत ज़्यादा स्टॉक है। तो आप आइए, इससे माल लीजिए, और भैया से हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा है, तो इनसे आप बात करके भी अच्छा लगेगा और पतंग लेके भी अच्छा लगेगा। मैक्सिमम प्राइस में हम लोग माल बेचता है। अच्छा, समझे ना हम लोग, तो जो दामीदार बोला ये मैक्सिमम प्राइस बोला, इससे ये और इससे कम ही मिलेगा, लेकिन ये जो बोला है ये मुझको भी लगता है कि मैं एक टाइम में आके वीडियो करके एक दाम बोल के गया, फिर दूसरा बार आने में कोई कस्टमर को क्यों दूसरा दाम बोलेगा? ये बात मैंने पूछा जब भैया से, तो भैया ने जो बोला कि माल का डिमांड बढ़ जाने से जो रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो कारीगर है उन लोग रेट बढ़ा देता है, इसलिए फिर उसके बाद बिजनेस स्लो होता है तो लोग फिर अपना दाम कमाता है, फिर दाम फिर कम हो जाता है। तो वही बोला, जो दाम यही रहेगा जो चैनल में बोला गया है, ये आप आके बोलिएगा कि एबीसी फ्लाई देख के आया हूँ, तो वही दाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो पतंग का सेगमेंट इधर ख़त्म करते, थोड़ा कागज़ के ऊपर वीडियो कर लेंगे, क्योंकि बाबू बदा के पास नॉर्मली आप कागज़ ले सकते हैं, इनका पास कागज़ अवेलेबल रहता है। भैया, आपका पास अभी अजंता पेपर नहीं है, क्यों नहीं है अजंता पेपर, थोड़ा बता दीजिए सबको। अजंता पेपर इसलिए नहीं है कि मिल बंद हो गया एकदम। अच्छा, ये एक कॉन्फ्यूजन है सबके बीच में, ये सच बात है या झूठ बात है, लेकिन ये मैं दूसरा जगह से भी पता किए हैं, और भैया से भी पूछ रहे हैं कि, क्योंकि इन लोग तो इस प्रोफेशन में है, हमसे बहुत बेहतर जानेंगे, तो अजंता का मिल डेफिनेटली बंद हो गया है। तो आप क्या पतंग से, कागज से पतंग? अब हम लोग खातिमा कागज से बना रहे पतंग। अच्छा, समझ गए ना। तो अगर कोई पेपर लेना चाहे तो खातिमा का दाम थोड़ा बता दीजिए। खातिमा हम लोग बेचते हैं 50 रुपये जिस्ता। अच्छा, करके बेचते हैं। और अगर पूरा रिम लेगा? पूरा रिम लेगा तो कम से कम 950-1000 रुपये करके पड़ेगा। अच्छा, एक रिम में कितना दिस्ता रहते हैं बोल दीजिए? एक रिम में 20 दिस्ता रहता है। 20 दिस्ता रहता है, तो 20 दिस्ता तो 50 रुपये के हिसाब से तो 1000 रुपये, तो कम नहीं होगा कुछ? हाँ, 950 रुपये कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपसे माल लेने से कागज ले सकते हैं? हाँ हाँ, एकदम ले सकते हैं। और कमानी ठड्डा ले सकते? नहीं नहीं, कमानी ठड्डा हम लोग का नहीं है। अच्छा, कमानी ठड्डा इधर से आप नहीं ले सकते, आप कागज अगर लेना चाहते हो तो भी इधर से ले सकते हो। खातिमा नॉर्मली आप अगर एक दिस्ता कागज लेगे तो 50 रुपया पड़ेगा, और अगर पूरा रिम लोगे तो 950 रुपये में आ जाएगा। तो भैया का वीडियो हम हर साल ही करते हैं, इस साल भी किया, थोड़ा बहुत जो स्टॉक हम दिखाया, और भी स्टॉक है, आप आइए, आपको अगर अच्छा लगे फिर से आइए, और हमारा कमेंट में बताइए कि भैया कैसे माल आपको दिया है, और दूसरों को भी हेल्प कीजिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, दूसरा कोई टाइम दूसरा कोई वीडियो लेके फिर से मुलाकात होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।